हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आमिश और आप देख रहे हैं आमिश टेक्सूल। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात में आप उठें और आप यहां वहां दीवारों पर स्विच ढूंढ रहे हों कि यार किसी तरीके से मुझे कोई मेन बोर्ड मिल जाए जहां से मैं अपनी लाइट को ऑन कर सकूं और बाथरूम के लिए या फिर मेन गेट के लिए या फिर कोई भी ऐसी चीज़ सर्च करने के लिए रात के अंधेरे में खास करके। तो ऐसी समस्या सभी के साथ आती है, तो आज मैं एक ऐसा ही स्विच बनाने वाला हूँ जिसको आप अगर अपने घर में इंस्टॉल करते हैं और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है रात में उठने की, चाहे बाथरूम ही सही, तो अगर आप रात में उठते हैं तो आपको बोर्ड यानी मेन बोर्ड ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर इसके ऊपर जो भी कंपोनेंट्स मैं आज यूज़ करने वाला हूँ उन सभी को पहले मैं आपको दिखा देता हूँ और फटाक से उस स्विच को बनाने के लिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो चाहिए होगा आपको एक PIR सेंसर मॉड्यूल। ये आपको इजीली 80-90 रुपए का मिल जाएगा, लेकिन इसका शिपिंग कॉस्ट लेकर के ये करीब 140-150 तक के आसपास का पड़ता है। और इसके बाद हमें चाहिए होगा एक रिले जो कि 15-20-25 रुपए के आसपास का मिलता है। 12 वोल्ट 6 वोल्ट जो भी आपको मिलता है वो भी चलेगा। फिर हमें चाहिए होगा एक डायोड, कोई भी नंबर का डायोड, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी नंबर का ढूँढिए, कोई भी नंबर चलेगा। फिर आपको चाहिए होगा एक 1K का रेजिस्टेंस जिसका कलर कोड है ब्राउन ब्लैक रेड, और एक BC547 की ट्रांजिस्टर, ये भी आपको 2-3 रुपए का मिल जाता है और ये रेजिस्टेंस शायद 58-54 ऐसे कुछ मिलता है। तो बस कुल मिलाकर के ये 4-5 कंपोनेंट्स ही लगेंगे और इस स्विच को हम लोग आसानी से बना लेंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि इसका प्रोसेस कैसा है और ये कैसा वर्क करता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा आपके लिए लाता रहूँगा। और एक ख़ास बात और कि अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाक से लाइक भी कर लो यार, क्योंकि आप सभी मेरे दोस्त हो और मैं भी आपका दोस्त ही हूँ। तो चलिए फिर फटाक से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे आज मैं कुछ ज़्यादा ही फटाक बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ये 12 वोल्ट का रिले है इसे हम जान लेते हैं कि यहाँ पर आपको AC के कनेक्शंस मिल जाते हैं और ये रहा उसका कॉमन, यानी कि ये AC और ये कॉमन, इन तीनों को मिलने के बाद ही ये रिले का स्विच कम्प्लीट होता है। तो ये तो हो गया AC के लिए। अब बात कर लेते हैं इन दोनों कनेक्शंस की। तो ये है हमारे रिले को ऑपरेट करने के लिए 12 वोल्ट का पावर देने वाला पॉइंट्स। तो यहाँ से हम लोग इसे पावर देंगे। तो एक चीज़ और कि यहाँ पर हम लोग एक डायोड का इस्तेमाल करेंगे। वैसे काफ़ी लोगों ने मुझसे एक बार कमेंट किया था कि डायोड का इस्तेमाल हम लोग रिले में क्यों करते हैं, तो बहुत जल्दी मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि डायोड के बिना अगर आप रिले को यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो फिलहाल हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये यहाँ पर सोल्ड किस तरह होगा। तो बहुत ही सिंपल सा सर्किट है, आपको मेरी वेबसाइट पर इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाइएगा, आपको वहाँ पर सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग इसे पहले तो हल्का सा सोल्ड कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा 4007 नंबर का डायोड और ये कनेक्ट होगा इसके 12 वोल्ट के कनेक्शंस पर। तो ये तो हो गया कंप्लीट यहाँ पर। तो अब हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है अपने BC547 नंबर के ट्रांजिस्टर को। तो इस ट्रांजिस्टर में जो बेस वाली पिन है, इस बेस वाली पिन को हम लोग PIR सेंसर मॉड्यूल से कनेक्ट करेंगे। तो इसको तो हम लोग बाद में देख लेंगे, क्योंकि इसमें मैंने एक 1K का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, तो ये यूज़ में आएगा वहाँ पर इसके सिग्नल इन करने के लिए। तो अभी जो हमें कनेक्ट करना है वो कनेक्ट करना है कलेक्टर, यानी कि ये फर्स्ट वाली लेग, इस कलेक्टर वाली लेग को हमें कनेक्ट करना है यहाँ पर। तो इसके लिए भी थोड़ा सा सोल्डरिंग लगा लेते हैं। इसके बाद हम लोग इस PIR सेंसर को इस रिले से कनेक्ट करेंगे, जो कि 1K रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट होगा PIR सेंसर के आउट सिग्नल पिन में। तो इसके लिए हम लोग एक ऑरेंज कलर का वायर इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सिग्नल को इंडिकेट करेगा। और ये कनेक्ट होगा 1K रेजिस्टेंस में,
वन के रेजिस्टेंस लगाना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि कभी अगर आपका ये ट्रांजिस्टर कमज़ोर पड़े या फिर ख़राब हुआ अचानक से, तो पीआईआर सेंसर को कोई नुकसान ना हो। दोस्तों इसके बाद हम लोग पीआईआर सेंसर के ग्राउंड को और इस रिले में दिए जाने वाले ग्राउंड को, जो कि यहाँ पर दिया जाएगा एमीटर से, तो इस वाले ग्राउंड और इस वाले पीआईआर सेंसर के ग्राउंड को एक में कनेक्ट कर लेंगे हम लोग। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एक ब्लू कलर का वायर, जो कि यहाँ पर इसके एमीटर में कनेक्ट होगा। इसके बाद ये ब्लू वायर हम लोग कनेक्ट करेंगे इस पीआईआर सेंसर के ग्राउंड में। तो चलिए फिर इसे भी कनेक्ट कर लेते हैं। और अब बारी है कि मैं इन दोनों को पावर दे दूं। तो मैं यहाँ पर रिले को पावर देने वाला हूँ 12 वोल्ट, और यहाँ इस पीआईआर सेंसर को मैं पावर दूंगा 3.5 वोल्ट से। तो चलिए फिर इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ एक मैक्स की मोबाइल बैटरी, और इसका ये रहा वायर, तो ये प्लस ये माइनस, ये होगा कनेक्ट यहाँ पर। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं अभी इसमें से सिर्फ प्लस वाले वायर को पीआईआर सेंसर में कनेक्ट कर लेता हूँ। और इस ग्राउंड को, जो कि ब्लैक वायर है, इसे हम लोग कनेक्ट करेंगे इस ब्लू वाले वायर में, लेकिन वो भी बाद में, पहले कनेक्ट कर लेते हैं इस रिले को दिए जाने वाला 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट देने के लिए मैं इस्तेमाल में ले रहा हूँ अपना पावर सप्लाई। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये है मेरी पावर सप्लाई, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर इसे ग्राउंड दे रहा हूँ। ये ब्लैक वाला वायर ग्राउंड है, तो ये कनेक्ट होगा यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर के एमीटर में। और इस प्लस वाले वायर को हम लोग कनेक्ट करेंगे रिले के दूसरे सिरे पर यहाँ पर, ताकि इसे प्लस वाला वायर मिल जाए। दोस्तों इसके बाद हम लोग इस रिले में कनेक्ट करेंगे 220 वोल्ट पर चलने वाला कोई भी अप्लायंस। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ एक 0 वाट का बल्ब, जो कि 220 वोल्ट पर चलता है। तो ये है मेरा वो 0 वाट का बल्ब, और इसकी वायरिंग कुछ इस तरीके से करनी है आपको, कि बीच में से इस वायर को काट लेना है, ताकि जैसे ही हम लोग इस वायर को टच करेंगे तो ये 220 वोल्ट का जो बल्ब है ये ऑन हो जाया करेगा। तो इसे हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने रिले में, जो कि रिले में यहाँ पर आपको दिखेगा कॉमन और NO। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि वो कहाँ कहाँ पर है। दोस्तों यहाँ पर आपको कॉमन मिल जाता है इस बीच वाले हिस्से पर, और यहाँ पर इस वाले लेग पर हमें मिलता है NO। तो एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पर NO, यहाँ पर NC, तो एक बार आप देख लीजिए ताकि आपको कंफर्म हो जाए। तो हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं इस दो वायर को यहाँ पर कॉमन में और NO में। तो दोस्तों सारे जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, बस अब बारी है कि इन सभी को मैं पावर दे दूं। तो पावर इसको मिलेगा 220 वोल्ट से, और ये रहा मेरा बैटरी पैक, जो कि मैं इस पीआईआर सेंसर के साथ इस्तेमाल करने वाला हूं। और एक बात और कि अगर आपको इसकी वायरिंग के बारे में जानना हो, तो बिंदास होकर के मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिलेगा। आप इजीली वहाँ पर जा करके इसके पूरे सर्किट डायग्राम को देख करके इसे खुद भी घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसे सीधे सीधे अब इसे टेस्ट कर लेता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं।
तो यार देखा ना कि कितने आसानी से इसे हम लोग बना सकते हैं अपने घर पर ही, और ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ही सस्ता है। मुश्किल से ये 150 रुपये के आसपास में बन जाता है अगर आपको पीआईआर सेंसर मिल जाता है सस्ते में तो। और एक खास बात और कि अगर आपको कहीं पर भी लगा हो कि मैं इसे समझ नहीं पाया, मुझसे ये बन नहीं पाएगा, तो कोई बात नहीं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आसानी से आप इसका सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो यार अभी इसी वक्त लाइक कर दो, क्योंकि मुझे पता है तुम अगर भूल गए हो इस वीडियो को लाइक करना, तो अभी लाइक कर सकते हो। और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।